पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आपने हमेशा हमारे लाने जो बेस्ट हो सका वो किया और आप भी कर रहे हैं अपनी बिटिया के लाने, पर आपके और हमारी समझ के परे भी एक दुनिया है, जिंदगी है, और उस दुनिया में हमारी बेटी अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखती है। सिर्फ लड़के होना भी तो काफी वजह नहीं हो सकती ना कि उसे उस दुनिया में आगे बढ़ने का, उस जिंदगी को जीने का मौका ना दिया जा सके। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दुख दर्द की खबर नहीं है हमें, या फिर हम नहीं समझते। हमें पता है टीचर बनना चाहती थी तुम, नहीं बन पाई, पर यहां सहाय कोचिंग सेंटर में अगर गुड्डी जॉब ले लेगी तो उसकी नौकरी भी हो जाएगी, और तुम्हारा सपना टीचर बनने का जो तुम पूरा नहीं कर पाई वो गुड्डी सच कर देगी। नहीं, हम अपने अधूरे सपने अपनी गुड्डी पर नहीं थोपना चाहते, खासकर तब जब उसके लाने उसे अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़े। सुमन, दुनियादारी की समझ तुम में भी है, सब कुछ जानकर अनजान बन रही हो। गुड्डी यही रहेगी हमारी नजरों के सामने। सोचो जरा, जवान लड़की है, मुंबई की जगमग में बह गई, तो कुछ उल्टा सीधा कर दो तो नाक कट जाएगी पूरी हमारी बिरादरी में। इसके बारे में सोचा है? आप कम से कम अपनी परवरिश पर तो पूरा भरोसा रखिए। संस्कार और तमीज आपने और हमने मिलके सिखाई है उसे, सही गलत की समझ दी है उसे। किताबों का ज्ञान तो उसने खुद पा लिया, लेकिन जिंदगी का ज्ञान तो हम दोनों ने ही दिया है ना। अब जब समझ बूझ ज्ञान को अमल में लाने का समय आया तो घबरा काहे रहे हैं आप? अपने बच्चों की जिंदगी को लायक बनाना माँ बाप की जिम्मेदारी है, तो उन्हें उनकी जिंदगी को किसी लायक बनाने देना भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना। फिर चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी। भैया जे तो चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई। हमारी कभी समझ में ही नहीं आया कि हमारे अपने घर की औरतें इतनी दुखी हैं। बर्फ चाहे जितनी भी कोशिश करे अपने आप को संभालने की, पर जब तापमान बढ़ता है ना तो पिघल ही जाता है। आज वही हुआ। सुमन के मन में जो कुछ था सब बह गया। एक टुकड़ी पिघली तो दूसरी भी पिघल गई। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।